अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पे तैयार है हम, समझे न कोई गाफिल हमको इस मुल्क से पहरेदार है। मैं नाज़रीन को बता दूं कि मेरा पहला इंटरव्यू है। इंटरनेट का मुझे पहले से शौक था। मैं हालांकि मैं इंग्लिश में पढ़ाई मेरी ऐसी हुई नहीं है, तो एक मरहला आया, मैं थोड़ा सा तरक्की ऐसा करता गया। पहले टेक्स्ट मैसेज, फिर उसके बाद में इमेजेस, फिर उसके बाद ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं भेजता था। तो शुरुआत तो गालिबन आपने टिकटॉक टिकटॉक से की थी? टिकटॉक नहीं, मैं यूट्यूब से ही मेरी शुरुआत हुई थी। यूट्यूब पर ही मैंने ये सब पोस्ट करता था, मसले मसाइल वगैरह। लेकिन मैं साल भर मेहनत करता रहा, कभी व्यूज नहीं, सब्सक्राइबर नहीं, और कोई ऐसा खास मतलब ये होता ही नहीं था। मैंने छोड़ दिया फिर यूट्यूब। मैंने कहा ये अपने बस की बात नहीं, इतनी मेहनत करो, कभी 100 लोग, कभी 150 लोग देखते हैं, वो दो दो महीने तक। टिकटॉक पर भी आने की वजह ऐसी हुई कि मैंने टिकटॉक डाउनलोड नहीं किया था, मेरी घरवाली ने टिकटॉक डाउनलोड किया। हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि टिकटॉक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता 15 सेकंड 20 सेकंड के वीडियोस मैंने बनाने शुरू किए। एक वीडियो मैंने पोस्ट किया और मैं सो गया। टिकटॉक मैंने वहाँ ओपन किया तो मैंने देखा कि मेरे फॉलोअर 50-60 हज़ार हो गए। तो मेरा ये क्या, मेरा ही अकाउंट है क्या? तरह उसको चेक किया तो मेरा ही अकाउंट था। तो मेरे लिए तो इतनी हैरानी, 350 वीडियो के भी 1.5 लाख व्यू नहीं थे सब मिला के। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे टिकटॉक पर तकरीबन 5.5 मिलियन फॉलोअर थे, और जिसमें मैं बता दूं मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात ये थी कि उसमें से 60 या 70% हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन मुझे फॉलो करते थे, बिरादरान वतन जो थे वो फॉलो करते थे। बदकिस्मत ही कि वो अचानक बंद हो गया। हुआ ये था कि रात में मालूम पड़ा कि टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक गया जी, लेकिन बहुत कुछ देकर गया जाते जाते। ऐसा बहुत बड़ी पहचान पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि ऐसा कहा जाए तो पूरी दुनिया में मकबूलियत जो है तो टिकटॉक की वजह से। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम जी। मतलब एक अहले बातिल के रास्ते से आपने जो है तो एक ऐसा पैगाम दिया और उसको ऐसा मोटिवेशनल अंदाज में, एक गंदगी की जगह पर आकर हम एक अच्छा पैगाम, मतलब बजाय उनके रंग में रंगने के आपने उनको अपने रंग में रंग दिया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। अभी तक जो लोग YouTube से दूर है उनके जहनों में भी यही बात बैठी हुई है कि YouTube से लाखों रुपया कमाते हैं ये। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो रास्ते पर खड्डे खोदते हैं ना मजदूर, उनको कम मेहनत होती है जितना YouTube पर काम करने वालों को मेहनत होती है। सोशल मीडिया पर उलमा-ए-किराम ने, जिनको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी है, उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि कितने 50 लाख लोग बात सुनते हैं एक महीने के अंदर, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो उलमा इकराम को इस तरफ आना चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि एक जलसा करना होता है, उसके ऊपर एक महीना दो महीने मेहनत करो, पूरे हर जगह पे उसके इश्तहारात लगाओ, उसका पैगाम पहुँचाओ, अखबार में इश्तहारात दो, और फिर बाद में एक स्टेज सजाओ, लाखों रुपया उस पर खर्च करो, उसके बाद में जो मजमा आता था वो 200-500। तो जैसे अर्तगुल गाजी के लिए लोगों ने वक्त निकाला और पूरी खिलाफत उस्मानिया को समझ लिया, ऐसी अगर आप सलाम की जिंदगी को अगर समझना है तो एक 20-25 घंटे अगर वो निकाल दें। वो एक जो ट्रिक आपका आपने इस्तेमाल किए थे इसमें कि अगर 500 कमेंट आएंगे या 500 लाइक आएंगे तो फिर मैं ये सिलसिला जो है तो मोहम्मद सब के लिए शुरू करना चाह रहा हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त पसंद आया। अगर आप बेहुदा वीडियो बना रहे हैं, जैसे बुरके में बोलो या फिर इस्लामी लिबास में बोलो, अगर ये कर रहे हैं तो आप उनके कमेंट बॉक्स देखें जी, तो उनके कमेंट बॉक्स गालियों से भरे पड़े रहते हैं। बहुत नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। माशाल्लाह इतने स्टैंडर्ड तरीके से काम हो रहा है कि मैंने कभी यानी यूट्यूब चैनल के लिए इतना बड़ा सेटअप और इतना सिस्टमेटिक। हार्ड वर्क तो है, लेकिन कारी साहब का हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी है। ज़बरदस्त काम हो रहा है तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया की तरफ से। और अभी कारी साहब ने बताया कि अखबार के अखबार भी एक न्यूज़पेपर शुरू करने वाले हैं। कारी साहब ने ही मुझे मशवरा दिया था कि आप अपनी वेबसाइट बनाइए, तो मैंने कहा जो राय देगा वही काम करेगा, तो वेबसाइट मेरी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कारी साहब की देन है, आप इनके लिए दुआ करें, मैं खुद भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो है इनको खुश रखे और इनके तमाम जायज़ मकासिद को अल्लाह ताला पूरा फरमाए।